नमस्कार, मैं प्रशांत, द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ मौजूद हूँ दिल्ली के प्रेस क्लब पे, जहाँ दिल्ली के सभी पत्रकार, लगभग बहुत सारे पत्रकार यहाँ आए हैं 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में यहाँ प्रोटेस्ट दर्ज करने। इनकी मांग है कि जो देश भर में पत्रकारों के ऊपर हिंसा हो रही है और उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं क्योंकि वो अपने काम को कर रहे हैं, इसलिए इनका यहाँ विरोध प्रदर्शन। और सरकार से भी मांग है कि जिन पत्रकारों की हत्या की जा रही है या उन्हें मार दिया जा रहा है या उन्हें सच लिखने से रोका जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और अभी तक जितने भी पत्रकारों की मौत हुई है या उनकी हत्या हुई है, उसके मामले जितने भी अभी तक लंबित हैं, उसकी जाँच होनी चाहिए और उसकी स्टेटस रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को सबमिट किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से उसकी जाँच पूरी की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे साथ कि किस तरीके से यहाँ सभी पत्रकार ह्यूमन चेन बनाकर, आप देख सकते हैं, मैं कैमरे को उस तरफ रखूंगा कि आप देख सकते हैं किस तरह का ह्यूमन चेन बनाकर सभी दिल्ली के लगभग बहुत सारे पत्रकार हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस तरीके का जो शांति प्रदर्शन और ह्यूमन चेन का जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, लगभग देश के हर कोने में, लगभग हर प्रेस क्लब, पूरे देश के कश्मीर प्रेस क्लब, जो श्रीनगर का प्रेस क्लब है, मुंबई प्रेस क्लब है, और तमाम जगहों पर देश भर में ऐसे आंदोलन हो रहे हैं। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई हैं। राजदीप, पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जो छोटे कस्बों में, गांव में छोटे दर्जे पे पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में, और सरकार इसकी बिल्कुल भी सुध नहीं लेती। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे कि आज के दिन न केवल दिल्ली में लेकिन छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरह के आज प्रदर्शन हो रहे हैं, और पूरे देश भर में पहली बार इस तरह से हर स्टेट कैपिटल में जो लगातार इस तरह के हमले होते हैं पत्रकारों पर, वो हो रहे हैं। तो ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, आप जान लीजिए ये आवाज़ जो है हर राज्य में उठनी है। और 5 तारीख को भी हर प्रेसिडेंट प्रेस क्लब के यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद एक मेमोरेंडम जाएगा गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास कि आप सब राज्यों के गृह मंत्रियों से कहिए कि कम से कम एक स्टेटस रिपोर्ट दे कि जितने भी हमले हुए हैं पत्रकारों पर उसमें आपने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि 1990 से इस तरह के हमले जब सबसे हुए हैं, किसी भी एक केस में कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ है। तो आज जो आप देख रहे हैं, मैंने 25 साल से यहाँ नहीं देखा कि पूरे प्रेस क्लब को इस तरह से घेरा गया है, और ये हर राज्य में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, बड़े छोटे राज्य में, नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट कैपिटल में हो रहा है। तो ये जब आरोप लगता है कि केवल दिल्ली तक सीमित है, ये गलत है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये पूरा जो इस तरीके का आंदोलन है ह्यूमन चेन बना के, ये पूरे देश में हर जगह हो रहा है। पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं, उन्हें सच लिखने से रोका जा रहा है। जैसे राजदीप ने बताया कि 1990 से लेकर अभी तक जितने भी पत्रकारों की हत्या, उनके खिलाफ हिंसा हुई है, उसमें अभी तक एक व्यक्ति को भी कन्विक्ट नहीं किया गया है। समाज को आईना तो दिखाते हैं पत्रकार, पर सरकार इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं रही है और ना ही इस तरीके का कोई कानून। हालांकि मैं आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक कानून बनाया है, जिसमें अगर आप पत्रकारों पर किसी तरीके का हिंसा करते हैं तो आपको अलग मामले के तहत डील किया जाएगा उसके। हम और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा प्रेस क्लब को इन्होंने घेरने का काम किया है। हमारे साथ युवा पत्रकार हैं, क्या नाम है आपका? अमन सर। अमन, आप पत्रकार हैं दिल्ली में, क्या लगता है, क्योंकि आप नए हैं, हम चलते हुए बात करेंगे, मैं कैमरा से कहूँगा कि आप आगे की तरफ चल, जिस तरीके से युवा पत्रकार, फिलहाल पिछली बार जो शांतनु भौमिक के साथ हुआ, जो कि बहुत ही युवा पत्रकार थे, और आप भी अभी इंडस्ट्री में आए हैं, जैसे आप बता रहे हैं नए पत्रकार हैं, तो कितना डर लगता है कि इस तरीके की हिंसा हो रही है? घर का प्रेशर होता होगा, बहुत सारे लोग डरते हैं कि आप इतना मत बोलिए, इतना मत लिखिए, बहुत शांत रहिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर, पत्रकारिता के पेशे में जब हमने चुनाव किया था तो डर निकाल ही दिया था कि इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक डर तो होता है, परिवार का, फैमिली का, माँ बाप हैं, अभी हम खुद अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किए हैं, इसमें एक डर बना रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर सोशल मीडिया या वाइट ऐसे कुछ देने पर डर बना रहता है हमेशा। और पत्रकारों की हत्या लोकतंत्र की हत्या है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा या जर्नलिज्म नहीं रहेगी तो लोकतंत्र काम कैसे करेगा?
तो क्या लगता है कि जिस तरीके से शांतनु भौमिक के साथ जो हुआ, बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई और अभी तक उसमें कोई जांच नहीं, यानी कि पुलिस अरेस्ट तो दिखाती है पर उसको कितनी तरीके से अच्छे से डील करती है या फिर उसके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हो या उनका कन्विक्शन हो, प्रॉपर ट्रायल हो, वो देखने नहीं मिलता। तो आप इस, आपको मैं इसलिए आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप नए हैं और यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस पत्रकार हैं जो कि इस दौर से गुजर चुके हैं और शायद आपने अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं किया पर शायद आगे चलकर आपको इस तरीके का सामना करना पड़ेगा। तो क्या क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पत्रकार क्या बदलाव होने चाहिए पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर या सरकार का क्या रवैया होना चाहिए? सरकार को एक सुरक्षा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि कम से कम लाइवलीहुड का सवाल तो ना पैदा हो कि ऐसी समस्याएं कि किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, क्योंकि एक बहुत गंभीर समस्या होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद अमन हमसे बात करने का। यकीनन सरकार को इसकी सुध लेनी पड़ेगी और ऐसा कोई मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा जहां पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम किया जा सके। और हम और भी लोगों से यहां बात करने की कोशिश करते हैं। मैं कैमरे से कहूंगा कि आगे की तरफ दिखाते चलें कि किस तरीके से यहां लोग पूरी दिल्ली से आए हुए हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं कि 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में यहाँ पत्रकारों ने ह्यूमन चेन बना के विरोध प्रदर्शन करने का कोशिश की है और ये कार्यक्रम पूरे भारत में ऑर्गेनाइज किया गया है। और लगभग सभी पत्रकार आए हुए हैं यहाँ। नमस्कार, हमारे साथ सिद्धार्थ वरदराजन है, हमारे फाउंडिंग एडिटर। सिद्धार्थ क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन शायद दिल्ली में बहुत दिनों के बाद हुआ होगा या मेरी जानकारी में तो नहीं है कि इस तरीके का पत्रकार सड़क पे उतरे और ह्यूमन चेन बनाकर अपने खिलाफ हो रही हिंसा पे आवाज उठाई हो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 2-3 बार यहाँ ऐसे हुआ है लेकिन गौरी लंकेश के कत्ल के बाद और शांतनु भौमिक के कत्ल के बाद ये अब दूसरा या तीसरा ऐसा बड़ा प्रदर्शन है जहाँ पे पत्रकारों ने ये एक तरह से रिजॉल्व किया कि हम दोबारा ये सब नहीं होने देंगे और कहीं ना कहीं सरकार की जो जिम्मेदारी है इन चीज़ों को रोकने के लिए वो सरकार अपनी जिम्मेदारी पे काम करे। तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पे पहले बहुत बड़ा विशाल यहाँ पे जलसा हुआ था उसके असरात अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके बाद संतोष भौमिक का कत्ल हुआ तो मुझे लगता है कि हमको लगे रहना पड़ेगा इस पर। और अगर जर्नलिस्ट अपना काम नहीं कर पाते, अगर उन पर हमले होंगे, अगर उनका खून होगा तो नॉट ओनली जर्नलिज्म की ये हार होगी बल्कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी भी अपने आप को नहीं बचा पाएगा। गांधी जयंती के दिन ही को क्यों चुना गया आप इस पर? देखिए, इसके कई वजूहत हैं। गांधी जी खुद एक जर्नलिस्ट भी थे और एक तरह से जो संवैधानिक जो उसूल हैं हिंदुस्तान के, उनकी विचारधारा उनकी सोच से जुड़ा हुआ है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो जर्नलिज्म का एक रोल है डेमोक्रेसी में, उसको कायम करने में उनका बड़ा एक तरह से अहम रोल था। तो उनकी जयंती पे ख़ास तौर पे इस इशू को उठाना और सत्ता तक आवाज़ पहुंचाना हमने ज़रूरी समझा क्योंकि इस दिन की एक ये ख़ास अहमियत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ हमसे बात करने का। यकीनन आज इस दिन को इसलिए चुना गया है कि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और वो डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे और डेमोक्रेसी में जो 4 पिलर्स हैं उसमें एक पिलर पत्रकारों का भी है और अगर इन पर हमले होंगे तो हमारा 4th स्तंभ अगर गिर जाएगा तो हमारी लोकतंत्र भी डगमगा जाएगी। इसके लिए हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रेस को ज़िंदा रखना होगा और उसकी आज़ादी को ज़िंदा रखना होगा और उन्हें स्वतंत्र रूप से सच के लिए काम करने दिया जाना होगा। हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली जी हैं। राहुल जलाली जी, वायर में आपका बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आपने ऑर्गेनाइज किया, आप पहले इस प्रेस क्लब के चेयरमैन रह चुके हैं और आपने बहुत साल देखा होगा कि पत्रकार, क्योंकि हम लोग ने तो काफ़ी कुछ नहीं देखा है, आप उस दौर से गुजरे हैं, आपने कश्मीर की काफ़ी रिपोर्टिंग की है, किस तरीके से इमरजेंसी भी देखी है तो क्या मुश्किल होती है पत्रकारों के लिए सच बोल पाना, सच लिखना? और जब हम 4th स्तंभ कहते हैं तो जब हम 4th स्तंभ को तोड़ देंगे तो लोकतंत्र भी डगमगा जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि हम हैं, हम ना रहें तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। और
हम इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आईन, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड है 19(1) के तहत। हम लोग बोलने का हक है, हमें अधिकार है, और ये फंडामेंटल राइट है, और पत्रकार इसी फंडामेंटल राइट के तहत चलता है। अब जो माहौल बना है जिसमें हर जगह, हर स्टेट लीजिए, मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह पत्रकार निशाने पे होता है, और अब हद हो गई है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से पत्रकारों को जिस बेदर्दी से मारा जा रहा है, सिर्फ गौरी लंकेश की बात नहीं है, क्योंकि ये बात और देखिए, छोटे छोटे जो शहर हैं वहाँ पे जैसे मारा जाता है। पिछले साल हम हर हफ्ते कोई ना। नमस्कार, मैं प्रशांत, द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दूसरी बार आपसे जुड़े हैं। पिछली बार तकनीकी खराबी के चलते हमारा लाइव टूट गया था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रणजय ठाकुरता हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो भी यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब में। 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश में सभी जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब मिलकर जर्नलिस्ट के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और उनके जितने भी अभी तक पत्रकार मारे गए हैं, उनके जितने भी मुजरिम हैं, उन्हें कन्विक्ट किया जाए। प्रणजय, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितना मुश्किल हो गया पत्रकारों पर हमला करना, ताकि वो ये सब सबको मालूम है क्या हुआ पिछले महीना, पिछले 1.5 महीना में। ऐसा नहीं है कि पिछले महीना में जो हुआ ये नया है, इससे पहले भी हो। मगर देखिए, मेरा कहना है जिस लोगों ने पत्रकारों को हत्या किया, गौरी लंकेश और बहुत सारे ऐसे पत्रकार को, इन लोग सचमुच जो संविधान में हर नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, ये है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, इसमें वो विश्वास नहीं करते। ठीक है, मैं मान लिया कि ये 19(1) के धारा में लिखित रूप में है, 19(2) में लिखा है कि हाँ, ये जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि युक्तिगत प्रतिबंधन बहुत जरूरी है। मगर कौन कहेंगे क्या युक्तिगत है या नहीं है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायाधीश सबसे ऊपर जो है, या आपका माफिया जो गुंडा है, या आपका थाना में जो कांस्टेबल है, यही तो विवादित विषय है। तो देखिए, आज हम लोग इकट्ठा आए हैं, हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं पत्रकार। आज हम एक साथ आए हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा कोई भी विचारधारा हो सकता है, हमारा कोई भी दृष्टिकोण हो सकता है, इस विषय के ऊपर हम सब एक हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं, सारे जो भारतवर्ष में जो पत्रकार है, क्योंकि जिन लोग हम लोग का मुंह बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो जिन लोग गौरी लंकेश और बहुत सारे जो राम राम, हम चाहते कि आज हमारे देश में जो 100 गौरी लंकेश है, हजारों गौरी लंकेश है, उनको मदद करने का, इसीलिए हम सब इकट्ठा आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणजय। हम सब पिछले ही महीने बेंगलुरु में गौरी लंकेश जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और कुछ ही हफ्तों पहले त्रिपुरा के जर्नलिस्ट थे शांतनु भौमिक, उनकी भी गोली, उन्हें पीट पीट कर, वो एक प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, वहाँ दो दलों के बीच में हिंसा हो रही थी, संघर्ष हो रहा था, वो कवर कर रहे थे, और उन्हें वहाँ पकड़ कर ले जाया गया, और उन्हें बुरी तरह पीटा गया, और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तक न गौरी लंकेश के मामले में, ना ही शांतनु भौमिक के मामले में कोई भी सुराग पुलिस के हाथ लगा है, या कोई भी लोग इसमें कोई भी कोर्ट ट्रायल या कोई किसी भी तरीके का चार्जशीट दाखिल करने का प्रयास किया गया हो। हम आइए, हम और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सभी लगभग, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि ये जर्नलिस्ट एक दूसरे के खिलाफ भी लिखते पढ़ते हैं, जैसे प्रणजय बता रहे थे, पर ये जो मुद्दा है जर्नलिस्टों की सुरक्षा का मुद्दा है, ये सभी के लिए एक है, और सभी लोग इस पर एक होकर आज यहाँ मौजूद हैं प्रेस क्लब में। अच्छा, सर आपका नाम जान सकते हो? सर विनय कुमार। विनय जी, आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से सेक्रेटरी जनरल? सेक्रेटरी जनरल। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने उस दिन भी शांतनु भौमिक के हत्या पर भी एक सभा यहाँ बुलाई थी, काफ़ी पत्रकार यहाँ आए थे, और वहीं ये तय हुआ था कि 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश में पत्रकार जुटेंगे और हो रही हिंसा के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे जितने लोगों को भी अभी तक मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, उसके खिलाफ जाँच होगी और उसके उन लोगों को कन्विक्ट किया जाएगा, जबकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है।
क्या कहना चाहेंगे इसीलिए इसी के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये प्रोटेस्ट रखा था हमने। और अभी आप देखें कि लोग यहाँ से मार्च भी कर रहे हैं शायद IWPC की तरफ से, और हम ये होम मिनिस्ट्री को भी ज्ञापन देंगे एक, जिसमें कहेंगे कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि कभी कोई कन्विक्ट नहीं हुआ, जितने भी जर्नलिस्ट 28 तो डॉक्यूमेंटेड केस हैं कि जिनके बारे में हमें पता है, मगर बहुत सारे छोटे जगहों में, तालुकों में और मुफसिल एरियाज में इतने सारे केसेस होते हैं जिसमें कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा होती है और बहुत मर्डरस अटैक भी होते हैं उनके खिलाफ। तो उसके ऊपर एक होम मिनिस्ट्री को हम ज्ञापन देंगे। 5 तारीख को एक और मीटिंग है जिसमें फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब्स हैं, और आज की मीटिंग की खास बात यह है कि ये इसी तरह की प्रोटेस्ट मीटिंग्स हर जगह ऑर्गेनाइज की जा रही है, चंडीगढ़ प्रेस क्लब में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, मुंबई में और बाकी देश के और हिस्सों में। तो एक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट है ये कहने के लिए कि पत्रकारों की सुरक्षा अहम है, क्योंकि हमारा एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो मीडिया है, प्रेस है, वो एक चौथे पिलर के रूप में जाना जाता है। उस चौथे पिलर को डेमोक्रेसी में फलना फूलना चाहिए, ना कि उसके ऊपर अटैक्स होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमसे बात करने का। बिल्कुल, डेमोक्रेसी का प्रेस बहुत बड़ा हिस्सा है और उसकी सुरक्षा हमें सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि इसी तरीके से लोग अगर प्रेस ख़त्म हो जाएगा तो लोग निरंकुश हो जाएंगे, और अक्सर दिल्ली में रहने वाले पत्रकारों के लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आप लुटियन जोन में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं जहाँ सुरक्षा है, पर हमें ये बात को सोचना होगा जो छोटे कस्बों में, छोटे गांवों में और ज़िलों में पत्रकारिता कर रहे हैं, छोटे छोटे अखबारों में, उनकी सुरक्षा का क्या है, क्योंकि हम और लोगों से बात करेंगे। हमसे बात करना चाहेंगे, मैं वायर से हूँ प्रशांत, आपका नाम जान सकते? नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी जी, आप एक पत्रकार हैं और एक महिला हैं, महिला के लिए तो ये और मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से आप रिपोर्टिंग करती हैं या अपना काम करती हैं, और जो ताकतें हैं जो आप लोगों को सच दिखाने से रोकना चाहती हैं या ब्लैकआउट करना चाहती हैं, या कई बार तो पत्रकारों को पीटा भी जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, पहले क्या होता था, बहुत तरह तरह के प्रेशर आते थे जर्नलिस्ट पे, आते रहे हैं, उनका मुँह बंद करने के लिए, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए। अब जो दौर हम देख रहे हैं पिछले सप्ताहों में, इतने सारे जर्नलिस्ट की मौत हो गई, मारा गया, तो क्या उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दीजिए? कोई ऐसी आवाज़ उठाता है जो कि अनकंफर्टेबल है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को, तो आप ख़त्म कर दीजिए। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक चीज़ है जो हमारे सामने उभर के आ रही है, और पत्रकारों को तो आवाज़ उठाने के ये नहीं चलेगा। हमारे देश में फ्री प्रेस का राइट है जिस पे हमें गर्व है, रहा था, है और रहेगा। तो पत्रकार अगर नहीं करेंगे तो जो हमारे हक हैं वो छीन ले जाएंगे। तो ये तो वाजिब चीज़ है जो आज हो रही है, पिछले दिनों में भी देश भर में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। जो मुझे निराशाजनक चीज़ लग रही है, अभी तो चीज़ें सामने आएंगी कि कौन लोग थे जो ये मर्डर्स के पीछे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन ही रिवील करेंगी, लेकिन निराशाजनक चीज़ है कि सरकार के सीनियर लीडर्स की तरफ से इसकी निंदा, कड़े शब्दों में जो निंदा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, कि ये हमारे देश में हम होने नहीं देंगे, ये नोट नहीं आया है, वो निराशाजनक चीज़ है। लोग, जनता कहती है कि सरकार और पत्रकार सब मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ तो सरकारों का पत्रकारों के लिए एकदम नेगेटिव अप्रोच है। क्या मानते हैं कि आप सरकारों की भी तरफ से मीडिया को के फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, वो हमेशा रहे हैं, इस बार भी हैं, पहले भी रहे हैं, हर सरकार द्वारा होते हैं। तो लेकिन मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हूँ कि चाहे नाम के वास्ते लोग निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, टोकनिज्म भी करते हैं, वो टोकनिज्म भी नहीं आया है इस बार कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो लोग गिल्टी हैं वो पकड़े जाएंगे, उनको सज़ा दी जाएगी, और जो टॉप के लोग हैं उन, इस तरह का नोट आना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट करते थे कि आएगा। आपने इमरजेंसी का भी दौर देखा होगा, क्या अलग लगता है इमरजेंसी का दौर और आज के दौर में? क्या उस समय भी पत्रकारों की यही हालत थी? देखिए, उस समय बहुत प्रेशर थे, सेंसरशिप था, आउट एंड आउट सेंसरशिप था। आज अंदर खाने से है, प्रोप्राइटर्स के थ्रू है प्रेशर। उस समय डायरेक्ट था, आपको सबमिट करनी पड़ती थी। मैं वीकली में थी, हिम्मत वीकली करके, हमको सबमिट करना पड़ता था, वो क्लियर करते थे, और हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस था उसके पीछे पड़ के हमें छापने ही नहीं दिया जाता था। तो हम एक प्रेस से दूसरी प्रेस तक भागते थे, और लोगों को जेल भी भेजा गया था। तो
उस तरह का माहौल मैं कहूँगी अभी नहीं है, लेकिन उस तरफ हम बढ़ रहे हैं अगर इसके बारे में कुछ किया नहीं गया तो। बहुत बहुत धन्यवाद निर्जा जी। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वायर हिंदी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बता रहे थे कि आप फौजी हैं जी, और फिर भी आप इन पत्रकारों के साथ आज यहाँ खड़े हैं जी, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे फौजी होने के नाते? देखिए जहाँ तक स्वतंत्रता की बात है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है, चौथे स्तंभ की बात है, वह एक बहुत ही जरूरी आवश्यक चीज़ है इस प्रजातंत्र के लिए। हालांकि इसके पहले भी ऐसा नहीं था कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, लेकिन उसके हम आदि हो चुके थे। अब यह फासीवादी युग में जहां खुलेआम हत्याएं की जा रही हैं, हमारे जर्नलिस्ट को धमकी दिया जा रहा है, हर प्रेस के मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही मकसद है कि बड़े पूंजीपतियों के जो लूट कर रहे हैं, जो एक सामान्य बाजार से मोनोपोली मार्केट होने के बावजूद जो प्रॉफिट रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो घटता जा रहा है, आपको जीडीपी में नजर आ रहा है, उसको वो डायरेक्ट लूट के द्वारा करना चाहते हैं, जो सेंट्रल इंडिया में और बाकी हर जगह दिख रहा है, चाहे हमारा जमीन हो, मजदूरों के हर लॉ को जो उनके फेवर में था उनको नेस्तनाबूद किया गया। और प्रेस एक ऐसा सेंट्रली ऑर्गेनाइज सेक्टर था जो कि इसके खिलाफ आवाज उठा सकता था, उसे कुछ को छोड़ दिया जाए, मैं नाम नहीं लूंगा कौन, वैसे वैसे आपके द वायर को मैं हमेशा देखता हूं, उसमें आपके जो एपिसोड आते हैं कि करके दुआ जी जो है ना, हाँ विनोद दुआ जी, उनका मैं हमेशा सुनता हूं, बड़ा खुश होता हूं। और NDTV के जो पत्रकार हैं हमारे रवीश कुमार, उन तो हैं ही हैं, लेकिन बाकी लोग भी जो छोड़े मोड़े उठा सकते थे, इसके विरोध कर सकते थे, उसको दबाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। और फासीवाद का अब यह केवल नाटक नहीं है, वो दस्तक नहीं दे रहा, वो हमारे बीच आ चुका है जो कि इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इसलिए एक फौजी, हालांकि मैं खुद ऐसे डिसिप्लिन में रहा हूँ, अब तो रिटायर हो चुका हूँ इसलिए बोल सकता हूँ, जहाँ मैं आज एक यदि होता अभी सर्विस में तो स्मार्टफोन अंदर लेके नहीं जाने दिया जा सकता था, खासकर जो BSF के जवानों के साथ हुआ, उसके बाद और भी उनको क्रश कर दिया गया, जो उन्होंने खाना के खिलाफ, खराब खाने के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, आपको पता होगा। तो इसके बावजूद भी हमारे फौज की स्वतंत्रता जो भी है, वह इसी समाज से, चूंकि हम लोग आए हैं रिटायरमेंट के बाद अदरवाइज, इसी समाज के किसानों से, इसी समाज के मजदूरों से, खासकर जो जवान है वहाँ के, मैं बहुत टॉप लेवल की अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वह भी यहीं से हैं। और हमारे वन रैंक वन पे को कैसे क्रश किया जा रहा है, 2 साल से अधिक हो गए हम लड़ रहे हैं, और मीडिया को मना किया गया कि ना दिखाए, हम भी कहें तो डायरेक्टली इससे अफेक्टेड है। और बाकी जिस ढंग से हमारा हमें शोषण किया जा रहा है, हमारे पैसे हमारे जेबों से लूटे जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे वो आपके टैक्स बढ़ाने के तरीके से हो, GST हो, और उसमें केवल देशी ही नहीं विदेशी पूंजी का भी स्तर साफ दिख रहा है। आप उसको जो नाम दें, आप उसको फिक्टिशियस कैपिटल बोलें या आप उसको कोई और ही कैपिटल बोलें, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं और हम उसका विरोध करने के लिए जो भी हमारे पास मीडिया था उसको दबाया जा रहा है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यकीनन अगर मीडिया को इसी तरह ब्लैकआउट किया जाएगा तो जो माफिया है, जो इलीगल ऑपरेशन करते हैं अपने इलाकों में, उनकी बातें लोगों के सामने नहीं आ पाएंगी। हम और लोगों से बात करेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे। द वायर हिंदी से आप भी, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम है मुजीब। मुजीब जी आप यहाँ आए हैं पत्रकार सभी लोगों के साथ ये ह्यूमन चेन बना के विरोध प्रदर्शन करने, क्या लगता है पत्रकारों की स्थिति पर, क्योंकि आपने काफ़ी सालों से पत्रकारिता की होगी और आपने काफ़ी देखा होगा किस तरह से हमले होते हैं, छोटे पत्रकारों के बारे में क्या सोचते हैं आप, जो छोटे कस्बों गांवों में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी जान को तो इतना खतरा होता है कि मतलब सरकार वहाँ के तो पुलिस वाले भी उनको डांट डपट देते हैं और मतलब भगा देते हैं, क्या? देखिए पत्रकारिता जो है वो प्रोफेशन ही ऐसा है कि जिसमें जोखिम तो लेना ही पड़ता है। जब आप किसी सच्चाई को सामने लाएंगे तो आपको डिक करना ही पड़ता है, तो इसलिए पत्रकारिता तो ऐसी ही चलती रहेगी, अंग्रेज जमाने से भी चल रही थी और अभी चल रही थी। सवाल ये उठता है कि जो सप्रेस कर रहे हैं पत्रकारिता, उनका असर क्या हुआ? तो उनका असर हमेशा खराब हुआ है, जिस भी रिजिम ने XYZ पत्रकार इस पर जब हमला किया है
तो पत्रकार के पास तो कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, उसके पास तो एक कलम की ताकत है, लेकिन वो जितना दबाई जाएगी उतनी ही उभरेगी। और अब आप देख रहे होंगे कि जितने ही हमले हो रहे हैं उससे ज़्यादा पब्लिक में और पत्रकारों के अंदर ज्यादा एंथुसिएज्म आ रहा है से लड़ने के लिए। डिस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, तो ये लड़ाई जमहूरियत में परपेचुअल है, चलती रहेगी और मजबूती के साथ चलेगी। तो हमें ठीक है, पर्सनली जो जिन लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं वो बहुत ही दुखद हैं, लेकिन जो हुकूमत में जो बैठे हैं उनके अंदर किसी इंसान के मरने पे कोई दुख नहीं होता। तो इसलिए बीइंग ए वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम लोगों को और ज़्यादा इसके ऊपर उसकी ज़रूरत है, और लोग यूनाइट हो रहे हैं और पत्रकारिता ही है जो पूरी पब्लिक को भी यूनाइट कर रही है इनके खिलाफ। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेस के अलावा आप दिल्ली के आउट स्कर्ट्स में चले जाइए, कहीं चले जाइए, यू विल फाइंड के लोग दे आर कंडेमिंग। तो इसलिए नाउम्मीद ही कोई नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है इसका एक अच्छा हम सोचते हैं कि आउटकम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जी उनसे बात करने के लिए। यकीनन सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि अगर पत्रकार इसी तरह मारे जाएंगे तो हमारा जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह डगमगा जाएगा, और उसके बाद फिर एक कुछ शासन राज करने लगेगा जहां जनता की कुछ सुनी नहीं जाएगी। अगर हम जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं या जनता की सच्चाई को लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं या सरकार के नज़र में लाने की कोशिश करते हैं, तो मैं जनता से भी अपील करने की कोशिश करूँगा कि जनता भी पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी पत्रकारों के साथ आएँ। और यकीनन हमें अपनी डेमोक्रेसी बचानी है तो हमें उस चारों स्तंभ को बचाना होगा। बहुत अवायर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।